हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई स्टाइल चीज पाव भाजी। बहुत ही आसान होता है इसे बनाना और बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, एकदम डिफरेंट लगती है। तो आपने अगर चीज पाव भाजी कभी ट्राई नहीं की है ना, तो आपको आज का वीडियो देख के जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चीज पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाजी बनाएंगे। तो भाजी हम उसी तरीके से बनाएंगे, एकदम सिंपल वे में। यहाँ पे मैंने दो आलू, दो गाजर, थोड़ी सी मटर, एक कैप्सिकम को काफी बारीक काट लिया है और फूल गोभी को मैंने काट के पहले गर्म पानी में अच्छे से उबाल लिया है, उसके बाद में लिया है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, इन सभी चीजों को बॉइल करेंगे। शिमला मिर्च को भी हम साथ में ही बॉइल कर लेंगे। अभी हम इसमें एक बीटरूट डाल देंगे। बीटरूट से क्या होगा, एक तो ये और ज्यादा हेल्दी बनेगा और साथ में इसमें जो कलर है वो और भी अच्छा आएगा। तो आपको कोई भी एडिशनल फूड कलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी डाल देंगे, इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं अभी यहाँ पे 1.5 चम्मच के लगभग ही नमक डाल रही हूँ। इसके बाद भी मैं इसमें नमक डालूंगी जब भाजी को हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद में इसमें 2 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी और उसके बाद में इसे हम क्या करेंगे, 5 से 6 सीटी लगा के अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं 5 से 6 सीटी में बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। अभी क्या करेंगे, पाव भाजी जो मैशर होता है उससे हम इन्हें बिल्कुल मैश कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल गरम किया है मैंने, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। तो मैं 1 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद में डालेंगे राई। थोड़ी सी हींग डालेंगे, अगर आपको भाजी में अच्छी लगती हो तो ही आप यूज करें। सभी चीजों के अच्छे से पक जाने के बाद में इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज मैंने डाल दिए। अच्छे से इन्हें भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो अभी ये काफी हद तक कुक हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया था उसे डाल दिया है। अगर आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना, तो उसकी जो महक और स्वाद होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सभी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ पे 3 टोमेटो जो मैंने बारीक काट लिए थे उन्हें भी डाल दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले यूज करेंगे। तो मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिया है और उसके बाद में 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, उसके बाद में मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है 1 चम्मच और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो तीखा जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप तीखा यूज कर सकते हैं। तो सभी मसालों को और टोमेटो को अच्छे से पकने तक हमें इन्हें भूनना है। तो आप देख सकते हैं टोमेटो जब तक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, टोमेटो के बाइट्स नहीं रहने चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए वो। तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल ग्रेवी जैसा टोमेटो हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो मैंने यहाँ पे जो सब्जियां थी मैश करके रखी थी उन्हें भी डाल दिया है। अच्छे से इसे अब हमें पकाना है। पाव भाजी की जो भाजी होती है ना, उसे आप स्लो फ्लेम पे पकने में जितना टाइम वो लेती है ना, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट निकल के आता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा पानी आप जरूर ज्यादा डाल दें तो उससे क्या होता है, आलू पकने के बाद में थोड़ा गाढ़ा होता जाता है। तो आप देख सकते हैं भाजी को हमने अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और अभी भाजी हमारी बनकर के तैयार है। अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। यहाँ पे मैंने तवा गरम किया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। उसके बाद में इसमें हम पाव को सेक लेंगे। आप चाहे तो जो भाजी आपने बनाई है सिंपली उसको भी तवे पर डाल के उसमें भी पाव सेक सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसे क्या करेंगे, अच्छे से सेक लेंगे, पाव को बंद करेंगे और इनके जो दोनों साइड है इनको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। पाव हमारे सेक करके तैयार है, अब हम भाजी सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर डाला है, बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। 1/2 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला इसमें डाल दिया। आपने देखा अभी तक मैंने इसमें पाव भाजी मसाला यूज नहीं किया था भाजी में। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। हल्का सा इसे भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएगा। तो हल्का सा इसे भूनेंगे और उसके बाद में जो भाजी है उसको हम इसमें डालेंगे। तो जितनी भाजी आप सर्व कर रहे हैं उतनी ही करके आप इसमें डालें तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने भाजी को डाल दिया, इसे अच्छे से पक जाने देंगे थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे चीज। तो मैंने यहाँ पे 1 सर्विंग के लिए भाजी को निकाला है, तो मैं इसमें 1 चीज क्यूब को यूज करूंगी। तो यहाँ पे पहले हम इसे पूरा कद्दूकस करके अच्छे से डाल देंगे। आप ट्राई करें कि आप क्यूब वाला ही लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मोजरेला या फिर स्लाइस चीज जो रहती है ना वो यूज ना करें। तो
तो आप देख सकते हैं मैंने चीज को पूरा ही अच्छे से ग्रेट कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लिए और पका लेंगे और उसके बाद में सर्व कर लेंगे। बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाती है, बच्चों की तो बड़ी फेवरेट होती है, वैसे तो सभी इसे पसंद करते हैं। अभी क्या करेंगे, एक चीज क्यूब को हम वापस ऊपर से अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे। वो लोग जो सर्व करते हैं ना, तो इसी तरीके से भर के चीज डालते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। पाव भाजी हमारी बनकर के तैयार है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।